Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। भाद्रपद के माह में अर्थात सितंबर के महीने में धरती में धान की हरियाली बिखरी हुई होती है, जिसे कोदो और अरहर के पौधे और भी गाढ़े रंगों से भर देते हैं। ये वो समय होता है जब धरती और किसान दोनों के चेहरों में मुस्कान बिखरी हुई होती है और जिसका प्रमुख श्रेय जाता है खेत खलिहान में कार्य करने वाले बैलों को। ये बैल खेतों में जुताई, निंदाई, रोपाई के साथ साथ कृषि संबंधित सभी कार्यों में किसानों की सहायता करते हैं और इसीलिए खरीफ फसल का कार्य पूर्ण होने पर किसानों के द्वारा बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए प्रति वर्ष भाद्रपद की अमावस्या के दिन पोला का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर पशु के प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो ये पर्व भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। मराठी में पोला बैल को कहा जाता है। संभवतः छत्तीसगढ़ में यह संस्कृति 18वीं शताब्दी में नागपुर के भोसलों के साथ इस क्षेत्र में आई होगी, लेकिन अब इस पर्व ने लोक अंचल में महत्वपूर्ण स्थान बना ली है। जैसे जैसे भाद्र अमावस्या का दिन नज़दीक आते जाता है, वैसे वैसे पोला का रंग सबके चेहरों पर चढ़ने लगता है। पोला के 2-3 दिन पहले से ही बाजार में, कुम्हारों के दुकानों में रंग बिरंगे नंदिया बैल और पूजा के सामान सज जाते हैं। इस नंदिया बैल में लोक अंचल का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। कोई इसे जोड़े में खरीदता है तो कोई इसे अकड़ा खरीदता है। चूंकि लोक संस्कृति में चाहे खेतों को जोतने की बात हो या फिर यातायात के साधनों की बात हो, किसी भी अवसर पर हमेशा दो बैलों की आवश्यकता होती है और इसीलिए इस पर्व में जोड़ी बैलों की पूजा की जाती है। सामान्यतः इस अवसर पर एक मिट्टी का बैल बाजार से खरीदा जाता है और दूसरा मिट्टी का बैल खेतों से मिट्टी लाकर स्वयं ही बनाया जाता है। पोला पर्व के आने पर पूरे घर में ठेठरी और खुरमी की खुशबू भर जाती है। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पकवान, ठेठरी, खुरमी, खीर, बड़ा, सोहारी, चौसेला, इढ़र आदि बनाया जाता है। जहां एक ओर ठेठरी बेसन के आटे का शिवलिंग की जलहरी के आकृति का बना होता है, तो वहीं पर खुरमी चावल और गेहूं के आटे से बना मीठा पकवान होता है। इस दिन कपड़े के टुकड़े के एक छोर में ठेठरी और दूसरे छोर में खुरमी की गठरी बांधी जाती है और इसे शिव और शक्ति का रूप मानकर उस मिट्टी से बने दो नंदिया बैलों के ऊपर बिठाया जाता है और उसके बाद इस पशुधन के प्रतीकात्मक स्वरूप की कुल देवता के साथ पूजा की जाती है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद क्रमशः तुलसी चौरा और गोर्रा की भी विधि विधान से पूजा की जाती है और उसके बाद परिवार के लोगों के द्वारा पोला के पकवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पूजा के बाद बच्चों के द्वारा इस नंदिया बैल को उसके गले में बंधे हुए रस्सी को पकड़कर गली गली दौड़ाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन किसानों के द्वारा बैलों को नहला धुलाकर उन्हें टीका बंधन लगाकर, सर में मोरपंख मुकुट पहनाकर, पैर में माहूर लगाकर और गले में फूलों और घंटियों की माला से उसे सजाया जाता है
उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। बैलों के लिए यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष होता है क्योंकि इस दिन बैलों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जाता, बल्कि उनके लिए बैल दौड़ प्रतियोगिता और बैल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और फिर उसके बाद कोला पटकने का रस्म किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं सामूहिक रूप से अपने अपने घर से पोला को लेकर, इसमें ठेठरी और खुरमी रखी हुई है, इस पोला को लेकर वो दहान की ओर जाती है। इसके साथ ही लड़के अलग दल बनाकर गेड़ी में चढ़कर महिलाओं के साथ नोक झोंक करते हुए दहान पहुंचते हैं और उसके बाद महिलाओं के द्वारा इस पोला को दहान की ठोस जमीन में पटक दिया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है। गेड़ी हार इस जमीन पर बिखरे हुए ठेठरी, खुरमी और पोला के टुकड़ों को अपने गेड़ी से रौन देते हैं। लोक अंचल में ऐसा विश्वास है कि गांव को किसी भी प्रकार की विपत्ति और वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लिए इस रस्म को किया जाता है और जमीन में बिखरे हुए इस ठेठरी और खुरमी को वापस नहीं खाया जाता है। ये लोक विश्वास भी कितना आश्चर्य कर देने वाला है ना। देखिए, जिस ठेठरी और खुरमी को शिव और शक्ति का रूप मानकर और जिस मिट्टी से बने नंदिया बैल को देवतुल्य मानकर कुछ समय पहले उसकी पूजा की जा रही थी, अभी वो सब दहान की भूमि पर बिखरी हुई है। पोला के दूसरे दिन सुबह से ही पोला के प्रसाद को घर की विवाहित महिलाओं के ससुराल भेजा जाता है और उसके बाद दोपहर होते तक ग्रामीण अंचल में सभी लड़कों के द्वारा रैली निकालकर अपनी अपनी गेड़ी को समीप के नदी एवं तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। देखिए, ये वही गेड़ी है जिसे हरेली के अवसर पर बनाया गया था। एक माह तक इस गेड़ी के साथ खेलने के बाद अब इस गेड़ी को पोला के दूसरे दिन अंतिम रूप से विदाई देकर इसे नदी तालाबों में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोक अंचल में कृषि संस्कृति में बैलों के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए उनकी पूजा के पर्व पोला को धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को और भी गहराई से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।